दोस्तों ये तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। रिंकू सिंह पहले T20 मैच से पहले अभ्यास के बाद लौट रहे थे, अचानक मुकेश कुमार उनको आवाज देते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। आपको देखने में ये लम्हा बड़ा छोटा सा लगेगा, लेकिन आमतौर पर नेट्स में कभी ऐसा नहीं होता है कि जब साथी खिलाड़ी बल्लेबाजी करके लौट रहा हो तो उसको दूसरा साथी बुलाए और उसको पैट ऑन द बैक यानी वेल प्लेड कहे। मुकेश जो ऑलरेडी डेब्यू कर चुके हैं, उनके भी संघर्ष की कहानी है। उन्होंने लगभग गुरुवार को आधे पौने घंटे रिंकू को गेंदबाजी की और उसके बाद उन्होंने कहा। रिंकू की एक सफ़र की कहानी, किस तरह से अलीगढ़ से वो डबलिन में आए और डेब्यू किया, ड्रीम कम ट्रू। उन्होंने खुद कहा था कि बिजनेस क्लास में उन्होंने सोचा नहीं था कि कभी सफ़र करेंगे, लेकिन न सिर्फ ये सफ़र किया बल्कि एक लंबी उड़ान उन्होंने अपने करियर में भरी है। तो रिंकू की कहानी अभी आपको आगे बताएंगे, पूरे वीडियो का आपको देखना है, रिंकू का प्रैक्टिस सेशन आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब से डबलिन में वो आए हैं रिंकू पे हर किसी की नज़र है। प्रैक्टिस सेशन में फील्डिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, हर जगह। तो पूरे वीडियो को देखना है आपको, मस्ती वाले ये क्रिकेटर हैं, बड़ा एंजॉय कर। नमस्कार दोस्तों, आज कहानी रिंकू सिंह की। जी हाँ, आप में से बहुत सारा लोगों ने जानने की कोशिश की है कि रिंकू सिंह के लिए ये दौरा क्या मायने रखता है। रिंकू सिंह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर अलीगढ़ में जन्मे। शायद उन्होंने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि वो भारत के लिए अपना पहला मैच जो है वो भारत में नहीं बल्कि विदेश में आयरलैंड के इस मशहूर शहर डबलिन में खेलेंगे, अपना डेब्यू करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, सपने भले आप देखो चाहे ना देखो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, सच्ची लगन से लगे हुए हो, बिना नतीजे की उम्मीद किए हुए, ऊपर वाला आपकी जरूर सुनता है। और रिंकू की कहानी कितनी दिलचस्प है। आज लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई, रिंकू ने IPL में 5 छक्के लगाए, उनको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, इंडियन टीम में आ गए, कितना सफ़र आसान है। सफ़र दोस्त, ये रास्ता जो है ना, देख रहे, हवा चल रही है तेज, आंधियाँ चलती हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, सफ़र किसी के लिए आसान नहीं होता है। संघर्ष हर किसी का होता है, चाहे वो रिंकू सिंह हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, ठीक है। और रिंकू के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा, रिंकू में टैलेंट था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो लड़का 2014 में, मतलब करीब एक दशक पहले, यूपी के लिए डेब्यू कर चुका था T20 मुकाबले में, वाइट बॉल में उनकी क्रिकेट अच्छी थी, बहुत जल्दी उन्होंने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया, U16 में थे, U19 में थे, और रिंकू को जाना जाता था हार्ड हिटिंग बैट्समैन के तौर पर। लेकिन वक्त लगा, ऐसा नहीं है। IPL भी जब आया तो IPL में जब KKR ने उन पर दावा किया था मात्र 10 लाख रुपये में, उनको 2017 के जो उन्होंने 18 के ऑक्शन में उन्होंने लिया कमलेश नागरकोटी और शिवम मावी के साथ, तो हर किसी ने चर्चा की उन दोनों खिलाड़ियों की, क्योंकि वो U19 से आए थे। लेकिन किसी ने रिंकू सिंह के बारे में चर्चा नहीं की, रिंकू सिंह छुप गए। लेकिन 10 लाख में अगले बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनको रिटेन किया 80 लाख में। मौके उनको बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, आखिरी बार जो उनको सही से मौके मिले पिछले साल मिले, और मौके पे उन्होंने चौका लगाया, मेहनत की, ज़बरदस्त है। जो भी रिंकू सिंह से मिला हुआ है यूपी क्रिकेट में खास तौर पे, वो रिंकू सिंह की लगन का दीवाना है कि इस लड़के में मेहनत है, जज्बा है। और चूंकि बहुत सारे लोगों को उनकी कहानी पता है कि वो किस तरह से एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, और मैं उस कहानी पे नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक बड़ा स्टीरियोटाइप हो जाता है कि भाई उनके पिता क्या करते थे, उनके चाचा क्या करते थे, भाई क्या करते थे, क्योंकि अक्सर भारतीय क्रिकेट में देखा जाना हर खिलाड़ी के संघर्ष की कहानी ऐसी है। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता है, कोई मैगी बेचता था, कोई मैगी खाता था सिर्फ दिन भर में, कोई पानी पूरी बेचता था, ये कहानियाँ उस वक्त में जब खिलाड़ी नहीं बन पाता है तब तो ठीक लगती है, लेकिन एक बार हो जाती है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस कहानी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हम रिंकू सिंह को जानते हैं उन सब बातों के लिए नहीं। देखिए, वो संघर्ष में बार बार कहता हर किसी का संघर्ष है, वो स्टोरी है, इंस्पायरिंग है, बट मेरा मुझे लगता है कि हमें फोकस करना चाहिए रिंकू की क्रिकेट पे। एक आक्रामक बल्लेबाज के तौर पर आए हैं, पहला मैच उन्हें आयरलैंड में खेलने का मौका मिला, भले बैटिंग नहीं आई, दूसरे मैच में उम्मीद की जा सकती है उनकी बैटिंग आएगी। और रिंकू के पास मौका है, जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने इंप्रेशन जमाया, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपनी वापसी को यादगार बनाया, उम्मीद की जा सकती है रिंकू भी ऐसा करेंगे, ठीक है। तो कुछ और आगे किस्से कहानियां लेकर आपको बताएंगे, और तस्वीरों के साथ आपको छोड़ देते हैं, जहां पर मुकेश कुमार उनके साथ एक्सटेंडेड नेट कर रहे हैं, और नेट्स खत्म होने के बाद मुकेश ने उनसे
हाथ मिलाया, क्यों मिलाया, वो कहानी आगे। पूरे वीडियो को देखना, बहुत बहुत शुक्रिया। टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच साईराज बहुतिले गुरुवार को लगातार रिंकू सिंह की बल्लेबाजी को देख रहे थे और उन्होंने मुकेश कुमार को स्पेशली कहा कि भाई ये इस तरह से बल्लेबाजी करो, एक पर्टिकुलर, और उनको उन्होंने कहा कि इसको इधर टारगेट करो और ये स्ट्रैटेजी बना रहे थे। देखिए, ये आप देख रहे हैं, इनके इशारे से बाएं हाथ से बता रहे हैं और मुकेश कुमार जो है डिस्कस कर रहे थे। हर घर करीब आधे घंटे तक इन दोनों के बीच में मुकाबला चल रहा था। मुकेश रिंकू को परास्त करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनको भी बेहतरीन गेंदबाजी का अनुभव हो, अभ्यास हो, क्योंकि एक आक्रामक बल्लेबाज हैं। लगातार आप देखेंगे दिलचस्प आगे तस्वीरों में जो मैंने आपको बोला, यहाँ पर फिर से रिंकू जाते हैं, मुकेश जाते हैं रिंकू के खिलाफ और ये देखिए कैसे वो शॉट लगा रहे हैं। और ये लगातार जो है हर गेंद के बाद साईराज बहुतुले जो है बता रहे हैं और आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से वो रिंकू को भी बोल रहे हैं, मुकेश को भी बोल रहे हैं, लेकिन रिंकू अपने अंदाज में खेलने को तैयार। तो ये पहले आप नेट्स आप देख लीजिए कुछ देर तक और उसके बाद मैं फिर आपको मुकेश की कहानी बताता हूँ क्यों मुकेश ने उनको अप्रिशिएट किया।
अब इन तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से मुकेश कुमार रिंकू को बता रहे हैं कि उन्होंने अपने फील्डर्स कहाँ रखे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ मेरे फील्डर हैं, इस जगह पर सेट हैं, आपको ये मारना है, चुनौती चैलेंज दे रहे हैं। इस तरह से प्रैक्टिस होती है और ये चीज़ साईराज बहुतुले गेंदबाजी कोच देखने के लिए तैयार थे। तो आप लोग को कई बार लगता है कि भाई नेट प्रैक्टिस में खिलाड़ी करते क्या हैं, खिलाड़ी को एक स्पेसिफिक कंडीशन, मैच के हालात उनके लिए प्रोड्यूस किए जाते हैं कि भाई अगली गेंद जो है इस अंदाज में, और उसमें दोनों का टेस्ट होता है, गेंदबाज का भी बल्लेबाज का भी। मसलन मुकेश कुमार को कहा जाता है कि भाई ये आपके पास 3 गेंद हैं और उनको 12 रन बनाने हैं, आपको डिफेंड करना है, और इनको कहा जाता है कि आपको बल्ला चलाना है, और 1-on-1 कॉन्टेस्ट होता है, और उसमें ये देखा जाता है, जैसे गेंदबाजी कोच हैं वो देख के ये बताते हैं। देखिए इन्होंने पहली गेंद डाली तो रिंकू मिस हुए, तो ये फर्स्ट राउंड जो है एक तरह से देखा जाए मुकेश के हाथ में गया। फिर इन्होंने चर्चा की आपस में एक दूसरे से कि भाई क्या गलत था क्या सही था, प्रैक्टिस ये होती है। देखिए फिर इन्होंने साईराज भोतुले ने भी उनको इशारे में बताया, फिर इन्होंने कहा कि भाई फील्डर मेरा ये है, चेंज उन्होंने नहीं किया फील्डर। रिंकू को फिर चैलेंज किया, रिंकू को फिर बोला कि भाई आप चलिए अब अगली गेंद में ये आपका टारगेट है। चूंकि देखिए मैं तो नज़दीक नहीं था, सुन नहीं पा रहा था, तस्वीरों से देख रहा था, और आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में साईराज भोतुले मुस्कुराते हुए भी जब वो चैलेंज कर रहे हैं, चूँकि मुकेश ने कुछ कहा था, तो अब फिर रिंकू तैयार हैं। अब देखो मुकेश की गेंदबाजी का सामना करने के लिए, अब मुकेश को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, ये देखिए और किस तरह से उन्होंने उड़ाया, मुकेश के चेहरे पे हंसी है। तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है मुकेश, देखिए उनके चेहरे पे हंसी, और फिर उन्होंने कहा, और फिर रिंकू जो है डेथ ओवर, देखिए उन्होंने कहा कि यस वेल डन। तो इस बार मुकेश को ताली मिली, साईराज भोतुले ने कहा, उनको फिर समझाया कि नहीं ये शॉट आपका प्रॉपर नहीं था, आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। और वो शाबाशी जो है इस बार मुकेश को मिली। फिर रिंकू को समझाया गया कि भाई आपको इस गेंद पे क्या करना चाहिए था, आप देख रहे हो मुकेश फिर से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। फिर अगली गेंद उन्होंने डाली, इस बार फिर रिंकू सिंह देखिए हल्का सा वो चूके, ठीक है, मुस्कुराहट है दोनों के चेहरे पे, ये जा रहे हैं, स्टेंट खत्म हो गया है, जा रहे हैं, लेकिन देखिए मुकेश ने फिर उनको बुलाया और कहा कि वेल डन। ये बड़ी चीज़ है, भले ही आखिरी के 2-3 गेंदों में जो आपने देखा वहाँ उन्होंने मुकेश ने रिंकू को परास्त किया, लेकिन ओवरऑल पूरे आधे पौने घंटे में जो उनके खिलाफ जिस तरह से रिंकू ने बैटिंग की, उससे मुकेश भले युवा खिलाड़ी हैं लेकिन अनुभवी तो हो ही चुके हैं, टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं, वनडे भी T20 में, उन्होंने अपने साथी की हौसला अफजाई की। मुकेश के भी कहानी जो है अपने आप में संघर्षपूर्ण कहानी है, लेकिन मुकेश ने जिस तरह का जेस्चर दिखाया, दोनों खिलाड़ी शायद दोनों लगभग एक जगह से आते हैं, एक बिहार से एक यूपी से, और इनको पता है इनके लिए क्रिकेट खेलना जे दिन हर रोज़ की जद्दोजहद को झेलते हुए इंडिया की जर्सी पहनना और फिर इस जगह पे आना क्या मायने रखता है, और शायद रिंकू को अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करने के लिए टीम में मुकेश से बेहतर शायद कोई और खिलाड़ी नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी लंबे समय तक टीम इंडिया की सेवा करते रहेंगे।